फाइटर लायनेट आर्मी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत में महाराष्ट्र स्टेट और नासिक सिटी में आए हुए हैं और यहाँ पे हम मिलने आए सर्पमित्र सलमान शेख सर इनसे। और ये सर्पमित्र है और इन्होंने अपने जो कार्य है काफी कुमारावस्था में उन्हें उनका जो कार्य है वो चालू किया है और आज तक वो कार्य कर रहे हैं। ये युवा है और ये युवा के लिए प्रेरणा है कि रेस्क्यू किस तरह करना चाहिए और हमारे जो वन्य जीवी है उनको फॉरेस्ट में कैसे रिलीज करना चाहिए। तो मैंने देखा है इनके जो वीडियो है, जो पर्सन है, ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं करते, लेकिन मैंने इनका देखा है कि ये काफी शानदारी से उस सांप को रेस्क्यू करके बचाव करके उनको जंगल में रिलीज करते हैं। तो ये पुण्य का काम है और जैसे कि अपनी ये चैनल की परंपरा है, जो पुण्य का काम करेगा उसके पास मैं आके उनका स्वागत करता हूँ और सत्कार करता हूँ। तो मैं सलमान जी से पूछना चाहूंगा कि आपने जो ये कार्य कब से स्टार्ट किया है? लगभग इसको मुझे 7-8 साल हो चुके हैं। 7-8 साल हो चुके। तो जैसे कि आपने सुना, इन्होंने 7-8 साल का ये तब स्कूल में थे। ओके। और स्कूल के जमाने से जबकि एक बच्चे का सपना होता है कि वो खेले खाए और घूमे, उस दौरान इन्होंने सर्प रक्षण करना अच्छा समझा। तो ये जो है ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे और 7-8 साल से कर रहे कार्य है अपने स्कूल के जमाने से। तो इनका जो स्वागत है ये करना, स्वागत करने बहुत मामूली बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको बूस्टअप किया जाए, इनको कहा जाए कि आपका जो कार्य है वो अच्छा है, इसलिए मैं सत्कार करने आया था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल जो आप देख रहे कि जो सर्पमित्र है ये रेस्क्यू करके वो रिलीज करने से पहले वो हुड पे किस करना है या टैप करना है, ये सब कर रहे हैं, तो ये कितना सही है? और यह सर, ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अपने को जितना उसको सेफ्टी रेस्क्यू करते आए और अपनी भी सेफ्टी हो उससे, उसको वैसे ही रेस्क्यू करना है और फॉरेस्ट में उसकी प्रॉपर नोन डालने के बाद उसे उसके स्वाधीन छोड़ देना चाहिए। अच्छा, देखिए आपने जैसे कि सुना, मैंने भी आपसे पहले भी कहा है, कोई भी सर्पमित्र इस जो स्टंट है इसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उनका काम है सांप को बचाना और सांप को रिलीज करना फॉरेस्ट में। आपने देखा होगा कि इस ये जो कार्य कर रहे हैं, ओके, तो इस कार्य को देखकर कोई कोई कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन ये जो कॉपी है ये आप एग्जाम में कर सकते हो अपने स्कूल कॉलेज के और आप पास भी हो सकते हो, लेकिन ये जो है और आपको आपकी जो गलती है वो माफ की जा सकती है, लेकिन सांप के सामने गलती को क्षमा नहीं होती है, क्योंकि उसका धर्म काटना होता है। और जो हमारे सर्पमित्र है उनका धर्म है उस सांप को रेस्क्यू करना, मतलब उससे प्यार करके उसको रिलीज करना। तो ये कभी भी स्टंट सपोर्ट नहीं करते। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो अभी तक के वन्य जीवी रिलीज किए फॉरेस्ट में, तो आपने किसी फ्रेंड को ऐसा प्रोत्साहित किया कि आप भी सर्पमित्र बनिए? नहीं सर, जिसकी इच्छा होती है वो खुद से हमें पूछते हैं कि अच्छा, हमारी इच्छा है, क्या आप हमें सिखा सकते हैं, तो हमारा एक ही उनको बोलना रहता कि आप पहले तो अपने घर की सलाह ले लें। अच्छा, आपके घर के उससे एग्री होते या नहीं जी? अगर उनके घर के एग्री होते हैं तो फिर वो हमारे पास आते हैं सीखने। अच्छा, फिर हर कॉल पे हम लेके जाके उसकी मालूमत देते रहते हैं उनको। अच्छा, तो देखिए सर, देखिए आपने उन्होंने अभी जो कहा है सुना है, ये प्रोफेशनल है, तो अगर आप इनको लाइव देख रहे हो या वीडियो पे देखोगे भविष्य में, तो इनकी कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा है कि सांप का धर्म काटना है वो काटेगा, और क्योंकि जो सर्पमित्र होता है ये प्रोफेशनल होते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग ली है बाकायदा और ये ट्रेनिंग लेकर ये कार्य कर रहे हैं। और हिंदी में मैं कहना चाहूंगा आपको, ये सबब का काम है और जो सबब का काम करेगा मतलब पुण्य का काम करेगा, उसके पास मैं आके उनका सत्कार करूंगा। तो आज हम इनके पास आए सत्कार करने। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी देश महान बनता है महान सोच की वजह से और महान व्यक्ति की वजह से। तो आज के हमारे महान व्यक्ति महत्व है सलमान शेख जी, जिनका हम अभी सत्कार करने वाले हैं। तो अभी हम इनका सत्कार करेंगे। और कभी कभी कैसा होता है सर, जैसे हम लोग कॉल पे जाते हैं
हमको किधर से कॉल आता है तो हम लोग बड़े आसानी से उस सांप को पकड़ लेते क्योंकि हमने उसकी ट्रेनिंग ली जी। और वही कोई अगर कम दिमाग वाला देख ले तो सोचता है यार इन्होंने तो बहुत आसानी से पकड़ लिया, नेक्स्ट टाइम वो भी ट्राई करता है। तो आप ऐसा ट्राई मत करो जिससे आपकी जान भी जा सकती। आपको अगर सीखना है तो आप किसी भी सर्प मित्र से प्रोफेशनल से ट्रेनिंग ले लो, अगर आप ट्रेन होते हो तभी जाके उसको पकड़ना है, नहीं तो फिर आप अपनी जान से हाथ धो के बैठोगे। धन्यवाद। देखिए ये जो इन्होंने जो कहा है वो सिर्फ प्रोफेशनल कह सकता है क्योंकि उनको मालूम है कि सांप का जो धर्म है वो काटना है और उनको इस बात का नॉलेज होता है कि सांप कब एग्रेसिव है कब नहीं है इस बात का, और उनका जो वेनम होता है वो किस टाइप का होता है ये नॉलेज ये रखते है। तो इनके लिए सांप पकड़ना आसान जरूर है लेकिन कैसा होता है सर्प मित्र के अंग पे भी वो जो सांप है वो दंश करने के लिए अटैक करता है लेकिन उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग है तो वो उससे बच सकते हैं, उनको पूरा नॉलेज है। तो इनका जो वीडियो अभी भविष्य में आएगा कृपया इसे कॉपी ना करें, ओके। और अभी हम इनका सत्कार करने वाले मेडल और सम्मान चिन्ह देकर। ये मेडल है और ये जो है ये सम्मान चिन्ह है। तो इनका अभी सत्कार किया है मैंने, तो मैं इनसे पूछना इसने इनसे बोलना चाहूंगा कि आप कुछ अगर मार्गदर्शन कर सके जो सर्प मित्र बनने वाले या जो पब्लिक है आम पब्लिक उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे। सर मैं तो एक ही कहूंगा अगर आपके सांप निकलता है यदि आप किसी सर्प मित्र को बुलाते हो तो सबसे पहले आप उनकी हेल्प कीजिए। जैसे कि कोई सर्प मित्र आता है अगर वो कोई जहरीला सांप पकड़ लेता है तो वक्त पे कोई लोग वहां पर बर्नी लेकर नहीं आते, तो यदि आपने सर्प मित्र को कॉल किया है तो आप सबसे पहला तो बर्नी का इंतजाम करके रखें क्योंकि सर्प मित्र ये एक मतलब पर्सनली जॉब है, मतलब जैसे अपने दिल से अपन करते है, ये कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब है नहीं जिससे कि हम लोग बर्नी वगैरह कुछ साथ में लेके जा सके। हमारे कुछ पर्सनल काम होते जो हम वो छोड़ के वहां पर कॉल पर पहुंचते, तो आप भी सर्प मित्रों को सहकार्य करो। सर्प मित्र तो आपके लिए हमेशा तत्पर 24 घंटे सहकार्य करने में तत्पर है। धन्यवाद। तो आपने इनको सुना, मैं आपको से कहना चाहूंगा कि ये जो चैनल के माध्यम से इन्होंने कहा है ये बात बिल्कुल सही है, और मैं चाहूंगा कि भारत के सभी नागरिक जो है ये वीडियो देखेंगे तो सर्प मित्र जो है ये अपने दिल से जैसे इन्होंने कहा कि वो काम कर रहे हैं, और जैसे हमारे बॉर्डर पे भेजे बैठा वो जो फौजी है ये देश की रक्षा कर रहा है, अगर वो हीरो है, अगर हमारे जो नेता अभिनेता और जो कोई सरकारी कर्मचारी गैर सरकारी कर्मचारी ये अगर हीरो है तो ये सर्प मित्र भी मेरे लिए हीरो है, और ये हीरो का सत्कार करने के लिए मैं हमेशा जैसे इन्होंने कहा 24/7 ये हाजिर है वैसे मैं भी हाजिर हूंगा, और मैं हर एक सर्प मित्र का सत्कार करना चाहता हूँ। तो मैं भारत के जो सभी सर्प मित्र से अनुरोध करूंगा कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है और आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं व्हाट्सएप नंबर जो मेरा लिंक में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। धन्यवाद। शिव कर दी।